हमारे पास आ गया जी, अगला चैप्टर है प्रोटेक्शनिज्म, राइट। अब प्रोटेक्शनिज्म से आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि प्रोटेक्शनिज्म क्या होता है। दूसरे लफ्जों में इसको बोलते हैं ट्रेड बैरियर्स, यानी कि जो इंटरनेशनल ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। प्रोटेक्शनिज्म इंक्लूड्स ऑल दोज टैक्टिक्स यूज बाय गवर्नमेंट टू रिस्ट्रिक्ट इंटरनेशनल ट्रेड। अच्छा, अब उसमें जनरली तो इम्पोर्ट्स को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, और इसकी वजह क्या होती है कि एक के आपकी जो लोकल इंडस्ट्री है वो उस पर इम्पैक्ट ना आए, क्योंकि जो इम्पोर्टेड आइटम है दे माइट बी चीपर, दे माइट बी ऑफ हायर क्वालिटी, तो उससे लोकल इंडस्ट्री जो है ना उसकी प्रोडक्ट्स की डिमांड कम हो जाएगी, और उससे आपको पता है जीडीपी गिरेगा, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, तो ओवरऑल ये इम्पैक्ट आता है। अच्छा, दूसरा एक और रीजन है प्रोटेक्शनिज्म का, और वो ये कि आप समटाइम एक्सपोर्ट्स को भी रोकना चाह रहे होते हैं। इंपोर्ट्स को तो रोकना चाह रहे होते हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट्स को भी रोकना चाह रहे होते हैं। क्यों? उसकी रीजन ये होता है कि समटाइम ये होता है कि आपके पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो सफिशिएंट नहीं है टू मीट द नीड्स ऑफ लोकल पीपल। और नॉर्मली ऐसे होता है, जब फर्ज किया कि वैसे तो आपकी प्रोडक्ट्स जो आउटपुट प्रोड्यूस होती है वो एम्पल है टू मीट द नीड्स ऑफ द पीपल जो आप बनाते हो या जिसमें आपकी स्पेशलाइजेशन है, लेकिन एट टाइम ये होता है कि कोई सैलाब आ गया, कोई अर्थक्वेक आ गया जिसकी वजह से, या कोई कंट्री एक स्टेट ऑफ वॉर में था जिससे आउटपुट नहीं बन सकी उतनी, तो फिर आप बाहर थोड़ी एक्सपोर्ट करेंगे। आपको फिर एक्सपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करना है ताकि पहली प्रायोरिटी दी जाए किसको, टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द लोकल पीपल। ये एक रीजन हो सकता है। अच्छा, दो और रीजन होते हैं प्रोटेक्शनिज्म के, वो हम अभी देखेंगे आगे। एक रेवेन्यू जनरेट करना, ये भी एक रीजन होता है। मतलब एक तो हो गया ना एक्सपोर्ट इंपोर्ट को रोकना, एक्सपोर्ट को रोकना कम करना मैंने जी बता दिया। अच्छा, रेवेन्यू जनरेट करना भी होता है कि अगर आपकी इंपोर्टेड आइटम है जो आप खरीदते हैं उसकी डिमांड इन इलास्टिक है, तो अगर कंट्री जो है वो कुछ चीजें खरीद रहा है या लोग खरीदते हैं जिनकी डिमांड इन इलास्टिक है, तो टैक्स लगने के बावजूद भी इम्पोर्ट की जाएगी, लोग फिर भी लेंगे क्योंकि डिमांड इन इलास्टिक है, तो उस केस में रेवेन्यू ज्यादा आ जाएगा। इम्पोर्ट तो कम नहीं होगी, ये दूसरा रीजन है, लेकिन रेवेन्यू ज्यादा आ जाएगा। इसी तरह एक्सपोर्ट्स की बात करता हूँ, तो अगर दूसरे मुल्कों में आपके प्रोडक्ट बहुत ज्यादा चलिए, डिमांड पिछला की, पॉइंट एक दफा रिपीट कर देते हैं। देखो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैंने आपको बताया कि दो रीजन, एक जो रीजन है प्रोटेक्शनिज्म का या ट्रेड बैरियर का वो होता है इम्पोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करना या इम्पोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करना, ये मैंने बता दिया आपको कि क्यों रिस्ट्रिक्ट करना है, ये आपको समझ आ गई होगी। मैं दूसरी बात बता रहा हूँ, एक और रीजन भी है प्रोटेक्शनिज्म का कि आप गवर्नमेंट जो है वो रेवेन्यू जनरेट करना चाह रही है, तो अगर आप कुछ चीजें इम्पोर्ट करते हैं और उसकी डिमांड इन इलास्टिक है, मतलब प्राइस बड़े कम हो डिमांड ने तो उतना रहना ही है, तो लोगों ने उतना खरीदना ही खरीदना है, तो उस केस में अगर टैरिफ, अगर कोई टैक्स लगाती भी है गवर्नमेंट इंपोर्टेड आइटम पे जिसको टैरिफ बोलते हैं या कस्टम ड्यूटी बोलते हैं, तो फिर भी उतनी चीजें खरीदी जाएंगी या मंगवाई जाएंगी बाहर से, तो टैक्स किसको मिलेगा? गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट को तो रेवेन्यू आ रहा है, गवर्नमेंट को वही चाहिए था मिल जाएगा। इसी तरह अगर एक्सपोर्ट आप करते हैं और बाहर के मुल्कों में आपके प्रोडक्ट की डिमांड बहुत है और डिमांड इन इलास्टिक है, बाहर के मुल्क में लोगों ने आपकी चीजें लेनी लेनी, तो तब भी अगर गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी चीजों की कीमतें ज्यादा हो जाएंगी, लेकिन फिर भी वो बाहर बिकेंगी क्योंकि डिमांड इन इलास्टिक है, तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू ज्यादा हो जाएगा। वरना ये गवर्नमेंट को देखना पड़ता है, वरना ये ना ना हो कि गवर्नमेंट टैक्स लगाए और चीजें महंगी हो जाए और आपकी एक्सपोर्ट्स कम हो जाए, तो एक्सपोर्ट्स कम होना तो नुकसानदेह है किसी भी कंट्री के लिए, आपको पता है फॉरेन एक्सचेंज आता है उसे। लेकिन वो मैंने आपको जो रीजन बताया कि अगर आपके लोकल लोगों की नीड्स पूरी नहीं हो रही तो फिर तो एक्सपोर्ट्स रोकनी पड़ेगी ना, ताकि ये चीजें बाहर ना जाए बल्कि आपके लोकल लोगों की नीड्स को पूरा किया जा सके। और भी रीजन है प्रोटेक्शनिज्म के, जैसे कि एक कंट्री आप पे बैरियर लगा रहा है, ठीक है, तो आप भी लगाएंगे उस पर, जैसे इंडिया पाकिस्तान या चाइना और यूएसए, ऐसे ले लो, तो कोई आप पे लगाएगा आप उस पर लगा देंगे, इसको हम रिटेलिएशन भी बोलते हैं। एक ये भी रीजन हो सकता है प्रोटेक्शनिज्म का जिसकी वजह से लगाया जाता है। अच्छा, अब जल्दी से हम देख लेते हैं प्रोटेक्शनिज्म कौन कौन सा कैसे हैं, वैसे तो आपको ओल्ड वर्ल्ड में जिन्होंने पढ़ा वो अच्छे से पता होगा। ये देखिए, ये है टूल्स प्रोटेक्शनिज्म के। टैरिफ, आप इससे वाकिफ हैं, टैरिफ हम नॉर्मली कहते हैं वो टैक्सेस जो कि इम्पोर्ट पे या एक्सपोर्ट पे
लगाए जाते हैं, लेकिन जनरली ये इम्पोर्ट्स पे ही लगाए जाते हैं, एक्सपोर्ट्स पे बहुत कम लगाए जाते हैं, क्योंकि हर कंट्री चाहती है कि उसकी एक्सपोर्ट्स बढ़े, कम ना हो। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि इम्पोर्ट कोटा, ये एक लिमिट होती है, यानी कि आप इससे ज्यादा चीजें दूसरे मुल्कों से नहीं मंगवा सकते, एक लिमिट लगा दी ना, तो ये भी बैरियर के तौर पे काम कर रहा है, इम्पोर्ट्स कम हो जाएंगे इससे। टैरिफ से भी तो काम होती है ना, टैरिफ लगेगा तो इम्पोर्टेड आइटम महंगी हो जाएंगी, लोग नहीं लेंगे, लोग लोकल आइटम लेना शुरू कर देंगे, उससे लोकल आइटम की डिमांड बढ़ेगी और इम्पोर्टेड आइटम्स की कम हो जाएगी, तो उससे ऑटोमेटिकली आपका जो फॉरेन एक्सचेंज था वो भी कम होने से बच जाएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका बेहतर होगा, क्योंकि आपकी इम्पोर्ट्स कम हो जाएंगी एक्सपोर्ट्स के मुकाबले। अच्छा, कोटा नॉर्मली ना, अच्छा कोटा तो मैंने बता दिया, लिमिट सेट कर देते हैं, इससे ज्यादा चीजें नहीं आएंगी एक पर्टिकुलर कंट्री से या कंट्री से, तो इम्पोर्ट्स कम हो गई ऑटोमेटिकली। अच्छा, इसी तरह अगर मैं कहूँ एक्सपोर्ट सब्सिडीज, तो ये मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट नॉर्मली एक्सपोर्ट पे सब्सिडी देती है, मतलब गवर्नमेंट सपोर्ट करती है कि आप चीज बनाएं, कॉस्ट हम शेयर करेंगे ताकि एक्सपोर्ट्स की प्राइसेस कम हो जाएं और इंटरनेशनल मार्केट में वो प्राइस कंपेटिटिव हो जाए, ताकि एक्सपोर्ट्स बढ़े, सीधी सी बात है। लेकिन इसका नुकसान भी बाद होता है कंज्यूमर्स को, वो कैसे भला, क्योंकि जब एक्सपोर्ट सब्सिडी दी जाती है तो वो बिजनेसेस जिनको एक्सपोर्ट सब्सिडी मिलती है वो प्राइस कंपेटिटिव हो जाते हैं लोकल मार्केट में भी और इंटरनेशनल मार्केट में भी, क्योंकि उनकी कॉस्ट जो है वो तो गवर्नमेंट शेयर कर रही है, वो कीमत कम कर सकते हैं। तो होता क्या है कि जब वो कॉस्ट कंपेटिटिव होते हैं तो चले इम्पोर्ट रुक जाती है, तो आपके मुल्क में जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं या जो चीजें कंज्यूमर्स को मिल रही हैं, पर्टिकुलरली इम्पोर्टेड आइटम, वो अब नहीं मिल रही, यानी कि कंज्यूमर्स के पास चॉइस कम हो जाएगी और उनको लोकल आइटम लेनी पड़ेंगी मजबूरन, क्योंकि इम्पोर्टेड आइटम्स जो है वो निकल जाएंगी उस मार्केट से, क्योंकि वो कंपीट ही नहीं कर पा रही ना प्राइस की प्राइस बेसिस पे, क्योंकि गवर्नमेंट जब उनको सब्सिडी दे रही है तो इतने कम प्राइस पे कोई नहीं बेच सकता, लेकिन वो बिजनेसेस बेच सकते हैं। तो ये एक किस्म का बैरियर बन जाता है कि इम्पोर्टेड आइटम कम्पीट ना करने की वजह से मुल्क में फिर नहीं आते, या जो बिक भी रहे होते हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता मार्केट से निकल जाते हैं। एम्बार्गो जो कंप्लीट बैन है, आपको अच्छे से पता है कि जैसे मैंने पाकिस्तान इंडिया का बताया आपको, या चाइना और यूएसए का बताया, तो बैन लग गया, आप चीजें नहीं आ रही, आप भी नहीं ले रहे, वो भी नहीं ले रहे, तो इससे तो सीधा सीधा इम्पोर्ट आपकी कम होगी, लेकिन इससे प्रॉब्लम है फिर अगला बंदा भी आप पे लगाएगा ना, तो एक्सपोर्ट्स भी कम हो जाएंगे, प्रॉब्लम जरूर है। बहरहाल ये ट्रेड बैरियर तो है। फिर एक्सेसिव एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन को देखते हैं, इसको रेड टेप बोलते हैं, मतलब जानबूझकर बहुत ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज बढ़ा दी जाती है, पेपर वर्क बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाता है, ये फॉर्म फिल करें, वो फॉर्म फिल करें, जिसमें इतने लेंथी प्रोसीजर होते हैं कि फिर जो इंपोर्टर होते हैं वो कहते हैं छोड़ो यार, इतना कौन रिक्वायरमेंट पूरी करता पड़ेगा, ये फॉर्म भी दें, वो फॉर्म भी दें, ये डॉक्यूमेंट जमा करवाएं, तो फिर ऑटोमेटिकली इतने लंबे प्रोसीजर से बचने के लिए इम्पोर्ट्स ऑटोमेटिकली कम हो जाती हैं, इम्पोर्टर नहीं करते। अच्छा सर, एक्सपोर्ट सब्सिडीज दोबारा समझा दें। अच्छा देखो, एक्सपोर्ट सब्सिडी, देखो सब्सिडी क्या होती है, सब्सिडी का मतलब है कि गवर्नमेंट फंड कर रही है प्रोड्यूसर्स को, और किस तरह से फंड कर रही है, ताकि उनकी कॉस्ट शेयर हो जाए, मतलब ये कि अगर एक चीज बन रही है, फर्ज किया 10 रुपए की बन रही है, 10 की, ठीक है, अब 10 की तो नहीं बेच सकते प्रोड्यूसर्स, सारी बात, 10 से ज्यादा की बेचेंगे, तो गवर्नमेंट क्या कहती है, भाई आप ऐसा करें 5 रुपए हमसे ले लें, 10 रुपए कॉस्ट है ना आपकी, 5 रुपए हमसे ले लें, ये सब्सिडी है, अब कॉस्ट शेयर हो गई, 10 रुपए तो अब बिजनेस को नहीं पड़ रहे, उसको तो पड़ रहे 5 रुपए, 5 रुपए गवर्नमेंट दे रही है, तो अब और गवर्नमेंट क्या कह रही है, भाई आप जो है ना वो 8 रुपए की बेचे, ठीक है, अब 8 रुपए की कौन बेचे, 10 रुपए कॉस्ट है तो 8 की कैसे बेचे, सिर्फ वही फोन बेच सकती हैं जिनकी कॉस्ट गवर्नमेंट शेयर कर रही है इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडी। अब जारी बात है उनकी कॉस्ट तो 10 है, लेकिन 5 गवर्नमेंट दे रही है, 5 वो दे रहे हैं कॉस्ट का, तो उसका मतलब है वो 8 की भी बेचेंगे तो उनको 3 रुपए का प्रॉफिट होगा, क्योंकि उनकी कॉस्ट तो 5 रुपए पड़ रही है कॉस्ट 10 रुपए, लेकिन उन्हें पड़ 5 रही है, तो अब जब वो 8 की बेचेंगे
लोकल मार्केट में भी और इंटरनेशनल मार्केट में भी, उनके मुकाबले का तो कोई नहीं होगा, ठीक है, उतनी कम कीमत में कोई नहीं बेच सकता। तो लोकल मार्केट में भी डिमांड बढ़ेगी उस कंपनी के प्रोडक्ट की, और इंटरनेशनल मार्केट में भी आपकी एक्सपोर्ट जो है ना उनमें इजाफा होगा। अच्छा, दोनों सूरतों में क्या होगा, एक्सपोर्ट्स तो आपकी बढ़ेंगी, ठीक है, तो इससे तो ट्रेड रिस्ट्रिक्ट नहीं हो रही, लेकिन आपके मुल्क में जब आपकी चीजें बहुत सस्ती हो जाएंगी ना, तो फिर इम्पोर्टेड आइटम जो आ रही थी वो मार्केट से निकल जाएंगी ना, क्योंकि वो उतनी कम कीमत में चीजें बेच नहीं सकते। लोग कहेंगे यार इम्पोर्टेड आइटम की क्वालिटी जो है चलो वो अच्छी है, लेकिन यार कीमत में बहुत फर्क है, हमारी लोकल आइटम तो यार बहुत सस्ती है, क्यों, सब्सिडी की वजह से। तो लोग आ जाएंगे लोकल आइटम की तरफ, तो ये करेगा, इट विल एक्ट एज अ बैरियर। अब इम्पोर्टेड आइटम से लोग स्विच करके लोकल आइटम लेना शुरू कर देंगे बिकॉज ऑफ ह्यूज डिफरेंस इन प्राइसेस चार्ज बाय देम। क्यों जी, अभी समझ आ गई? यस सर, अच्छा, अब ये सारे टूल्स आपको समझ आ गए होंगे और आप इसको लेटर ऑन पढ़ भी सकते हैं बुक से, तो प्रॉब्लम हो तो मुझे जरूर बताइएगा। वैसे आसान है बहुत, इसमें कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं है। अच्छा, बहर मैं ये टैरिफ नहीं पढ़ रहा, ठीक है, क्योंकि आप इम्पोर्ट टैरिफ मैं बता चुका हूँ आपको। हाँ, ये मैं डायग्राम जरूर समझाना चाहूंगा क्योंकि ये पेपर में भी आई हुई है, एमसीक्यूज में भी आती है। अच्छा, आप इसमें गौर कर रहे, आपको डिमांड सप्लाई तो नजर आ रही होगी, अच्छा इसमें जो ग्रीन आपको डोमेस्टिक डिमांड नजर आ रही है और रेड लाइन भी नजर आ रही है आपको, वो डोमेस्टिक सप्लाई है, यानी कि डिमांड सप्लाई आम लफ्जों में जो डिमांड सप्लाई देखते हैं वही दीजिए यहाँ पे। अच्छा, मैं ना जो मैं देख रहा था यहाँ से मुझे मिल जाए, ये मेरा खोला है PDF X, तो मैंने इस्तेमाल नहीं किया अभी तक ये, मैं वो दूसरे वाला कर रहा था उससे खुल नहीं रहा था, कोई प्रॉब्लम चल रही है इस वक्त, देखा था टूल मिल जाए जिसे मैं हाईलाइट कर सकूं, आपको नजर आ रहा है वो टूल OCR, ये एनिटेक्स। अच्छा चले, या इस पे ना गौर करें, मैं इसको जी। अच्छा, अब आप ये देखो कि अच्छा इस तरह मैं समझा ही नहीं सकता क्योंकि ये मैं मुझे हाईलाइट करना है और ये हाईलाइट मुझे करना ही नहीं दे रहा, एक मिनट ठहर। वो PDF से खुल नहीं रहा। अच्छा एक मिनट, मैं आप यहीं पर रहें, मैं एक बार दोबारा से